जासूस मेहुल एक चोर का अनुसरण कर रहा था। चोर एक पुराने महल के अंदर चला गया। मेहुल ने उसका पीछा किया और एक बम, एक रस्सी और एक लकड़ी की छड़ी मिली। उसने सभी वस्तुओं को लेकर चोर की तलाश में आगे बढ़ा। बाद में उसे तीन दरवाजा मिला। पहले दरवाजा के अंदर आग थी। दूसरे दरवाजे के अंदर लोहे की रॉड थी। और तीसरे दरवाजे के अंदर बर्फ की कुछ मोटी चादर रखी हुई थी। चोर को खोजने के लिए मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? सोचिए सोचिए और मेहुल की मदद कीजिए। सही जवाब होगा तीसरा। मेहुल पहले दरवाजे से बम को रोशन करेगा और उसे तीसरे दरवाजे के अंदर फेंक देगा। बम विस्फोट करेगा और तीसरा दरवाजा खुल जाएगा। आए देखते हैं अगली पहेली। एक रात जब सोफी अपने कमरे में सो रही थी, तभी एक चोर उसके घर में प्रवेश किया। वो उठी और चिल्लाने लगी, चोर चोर कोई है। चोर ने वहां से कीमती सामान लेकर भाग गया। मेरा सामान, मेरा सामान। सोफी तुरंत मेहुल को बुलाए और सारी बात बताए। उसने ये भी उल्लेख किया कि वो चोर की एक तस्वीर लेने में कामयाब रही, लेकिन अंधेरे के कारण फोटो काला आ गया है। मेहुल ने छह लोगों को फोटो के समान पकड़ा। क्या आप सोच सकते हैं इनमें से असली चोर कौन है? सोचिए सोचिए। इसका सही जवाब होगा डी, चोर की मूछें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए ये सी एफ नहीं हो सकता है। डी वाला ही असली चोर है। आए देखते हैं अगली पहेली। बारिश की रात में जासूस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर बहुत तेज था, मेहुल को पीछा छोड़ने में कामयाब रहा और चोर एक स्कूल के अंदर छिप गया। चोर एक मुखौटा पहना हुआ था, इसलिए मेहुल उसका चेहरा देखने में नाकाम रहा। जब मेहुल स्कूल के अंदर पहुंचा, तो उसे तीन लोग मिले। पूछताछ करने पर दिनों ने चोर होने से इनकार कर दिया और सुबह से स्कूल लाइब्रेरी में अध्ययन करने का दावा किया। तीनों लोगों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि असली चोर कौन है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा बी, उसके पैर को देखिए, वो दौड़ता हुआ आया, इसलिए उसकी पैंट गीली हो गई है। नैंसी खरीदारी कर रही थी, तभी कोई पीछे से आया और उसे धक्का दिया और उसका बैग लेकर भाग गया। नैंसी चिल्लाने लगी, चोर चोर कोई मेरा बैग पकड़ो। जासूस मेहुल उसी समय वहां मौजूद था। वो तेजी से चोर का पीछा करने लगा। चोर भागते हुए एक कैफे में पहुंचा और वहां छुप गया। चोर भागते वक्त बैग रास्ते में गिरा दिया था। मेहुल उसे उठाता है और कैफे के अंदर जाता है। वहां पे वह देखता है चार लोग हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं मेहुल कौन सी आदमी को पकड़ेगा? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा तीन नंबर वाला आदमी, यही चोर है। इसे ध्यान से देखिए, यह न्यूज़पेपर उल्टा ही पड़ रहा है और इसके पास रखी चाय अभी भी गर्म है।